नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, सपा विधायक इरफान सोलंकी को ईडी रिमांड पर लेगी ईडी। की छापेमारी में डायरी में मिला 1 अरब का लेन देन। संपत्तियों के मामले में इरफान सोलंकी से ईडी करेगी पूछताछ। कोई बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ईडी इरफान सोलंकी से संपत्तियों को लेकर पूछताछ करेगी। छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के मिले दस्तावेज। बिल्डर शौकत अली हाजीवासी से भी होगा आमना सामना। जेल में बंद इरफान की कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी की 7 टीमों ने की थी छापेमारी। 50 करोड़ की संपत्तियों के आय का स्रोत खंगाल रही ईडी। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही। पुलिस की सीज गाड़ियों से चल रहा था सोलंकी का परिवार। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, पुलिस की सीज गाड़ियों से सोलंकी का परिवार चल रहा था। 50 करोड़ की संपत्तियों के आय का स्रोत जो है ईडी खंगाल रही है। तो ईडी की 7 टीमों ने छापेमारी की थी, जिसमें कई सारे संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। और इसको लेकर जो बताया जा रहा है, 50 बीघा जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। तो इरफान सोलंकी से ईडी पूछताछ करेगी संपत्तियों को लेकर। और ईडी को छापेमारी में डायरी में 1 अरब का लेन देन भी मिला है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी ईडी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, सपा विधायक के लिए मुश्किलें जो है ज्यादा होती जा रही, बढ़ती जा रही है। अब ईडी जो है उन्हें रिमांड पर लेगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही सपा विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद है और इसी दौरान ईडी की छापेमारी हुई और छापेमारी में कई राज जो है सामने आए हैं ईडी के। तो कहीं ना कहीं जो है अब इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही है। और पता चला है कि ईडी अब अदालत से इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी और उनसे जो डायरी मिली है उनके घर पर ईडी की छापेमारी में, जिसमें अरबों रुपए के लेन देन के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर पूछताछ भी करेगी। और साथ ही साथ उस डायरी में जो सबूत के तौर पर ईडी मान रही है कि जो लंबा लेन देन हुआ है उस मामले में अब बिल्डर का भी आमना सामना जो है इरफान सोलंकी से होगा, जिसके लिए पूरी तैयारी ईडी ने कर ली है। वहीं दूसरी तरफ चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि 12 करोड़ का घर जो है इरफान सोलंकी का है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। और साथ ही साथ जो है चुनाव के दौरान भी लंबी रकम जो है खर्च की गई है, लेन देन हुआ है ईडी इरफान सोलंकी की तरह। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। और साथ ही साथ उनकी पत्नी से भी ईडी अब पूछताछ कर सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि रिमांड पे लेने के बाद जो है कई राज खुलकर सामने आएंगे। जी जूही जी, और ये भी बताया जा रहा है कि छापेमारी में ईडी को 50 बीघा जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से ईडी ने पड़ताल की उसमें 50 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त का भी मामला, चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अगर बात करें इरफान सोलंकी की संपत्तियों के बारे में तो 1 अरब करीब जो है उनका लेन देन हुआ है और साथ ही साथ 12 करोड़ रुपए का मकान भी ईडी को मिला है। और साथ ही साथ जो जमीन है इसकी कीमत भी अरबों रुपए आकी जा रही है, क्योंकि 50 बीघा जमीन का मामला। और साथ ही साथ इरफान सोलंकी के घर जिस तरह से 7 टीमों ने छापेमारी किया, इसमें कई जो है अहम सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। हालांकि इरफान सोलंकी अभी जेल में बंद है, वह लगातार अपने आप को बेगुनाह होने का दम भरते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई उसमें तमाम सबूत सामने आए हैं। तो अब ईडी जो है इसकी पड़ताल करेगी और अदालत के जरिए जो है ईडी इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी और सच से सामना कराएगी।
तो कहीं ना कहीं जो है अब जिस तरह से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही, तो अब यह माना जा सकता है कि कार्रवाई का शिकंजा भी आगे ईडी का बढ़ सकता है। जी और बताया जा रहा है कि उनका परिवार सीज करने के बावजूद, पुलिस के सीज कर लेने के बावजूद भी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि जिस तरह से कानून का उल्लंघन किया है सपा विधायक इरफान सोलंकी की तरह उनके परिवारी जनों ने जो है जो सीज वाहन थे उसका इस्तेमाल किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कानून को भी उनके परिवारी जनों ने चुनौती दी। और अब यह माना जा रहा है कि इरफान सोलंकी की पत्नी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों से भी ईडी अब पूछताछ करेगी, और साथ ही साथ यह भी पता चला है कि कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके पास जो है बेनामी संपत्ति है इरफान सोलंकी की तरफ से खरीदी गई। अब यह भी आंकड़ा जो है ईडी जुटाने में जुट गई है, कई ऐसे लोग भी करीबी हैं जो ईडी की रडार पर हैं। और अब जो है शुरुआती दौर में ईडी अब अदालत से इरफान सोलंकी को रिमांड पर लेगी, और उसके बाद यह भी माना जा रहा है कि जो नात रिश्तेदार हैं जो करीबी हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे बिल्डरों के नाम भी सामने आए हैं जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और जो इसमें जो है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है इरफान सोलंकी ने, ऐसा सूत्रों का दावा है, उस पर भी अब ईडी कार्रवाई करने की मूड में आ गई है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का गठन। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है, यूपी के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है, कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का भी गठन किया गया है। 30 सदस्यीय प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन हुआ, अजय राय, आराधना मिश्रा, सलमान खुर्शीद शामिल। तो इसमें अजय राय, आराधना मिश्रा, सलमान खुर्शीद को शामिल किया गया है और 30 सदस्यीय प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का भी गठन किया गया है। तो यूपी के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है, दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। जिसमें अजय राय, आराधना मिश्रा और सलमान खुर्शीद के नाम शामिल है। तो दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन का गठन कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के लिए, और इसमें आराधना मिश्रा, अजय राय और सलमान खुर्शीद का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि 30 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। तो यूपी के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का गठन किया गया, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजित, उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस इलेक्शन कमेटी का गठन कर लिया गया है, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जो भी बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव का जो समय नजदीक है और ऐसे में जहां कांग्रेस ने पहली लीग शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की जारी की है, उसके बाद शुक्रवार को ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 30 सदस्य जो कांग्रेस सदस्य शामिल किए गए, जिसमें अजय राय, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, ऐसे तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं जो आने वाला कलम जो किस तरीके से वहां पर उम्मीदवारों को उतारना है, और इन तमाम चीजों को लेकर के इस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें हर सीटों पर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को उतारा जाए और उन्हें किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत जो कांग्रेस है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। हालांकि अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी उत्तर प्रदेश में 80 संसदीय क्षेत्र में केवल एक ही सीट जो रायबरेली की सीट थी वो कांग्रेस के पास थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है, तो कांग्रेस इस समय हर तरीके से रणनीति अपना रही है ताकि मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जा सके और सामने जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनसे मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश के लिए जो ये कांग्रेस कमेटी का जो गठन किया गया है, ये कांग्रेस ने शुक्रवार को शाम के समय में किया है, जिसमें अजय राय, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी जैसे बड़े कद्दावर नेताओं को शामिल किया गया है। जी बताया जा रहा है कि 30 सदस्यीय टीम है, और बात करें तो इन तीन चेहरों के अलावा और कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं? देखिए, और कई प्रदेश के जो सचिव है और ऐसे कई बड़े नेता हैं
जिनका नाम इन जो लिस्ट में शामिल है, और वो उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो उम्मीदवारों को किस तरीके से उतारना है, कैसे उम्मीदवारों को उतारना है, किस तरीके से जो सामने जो जी जो उम्मीदवार उतरे। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बुजुर्गों को बंपर मौका दिया गया है। 39 में से केवल 12 उम्मीदवार ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। वायनाड से राहुल गांधी को टिकट मिला है, वहीं राजनांदगांव में भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। वायनाड से राहुल गांधी को टिकट मिला है और राजनांदगांव में भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इन तमाम कई सारे जो है बड़े नेता उनके नाम शामिल है। राजनांदगांव से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है और वायनाड से राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। बात करें तो कोरबा से ज्योत्सना महंत उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा राजनांदगांव से भूपेश बघेल ही उम्मीदवार हैं और रायपुर से बात करें तो विकास उपाध्याय उम्मीदवार होंगे। वहीं बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश को पार्टी ने मैदान में उतारा है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। तुरा से सलंगे संगीता को टिकट मिला है। वहीं नागालैंड की बात करें तो एसएस जमीर को टिकट दिया गया है पार्टी की ओर से। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिसे कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और कोरबा से ज्योत्सना महंत को टिकट मिला है, रायपुर से विकास उपाध्याय उम्मीदवार बनाए गए हैं, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश उम्मीदवार होंगे, त्रिपुर वेस्ट से आशीष कुमार साह उम्मीदवार बनाए गए हैं, दुर्ग से बात कर ले तो राजेंद्र साहू कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, शिलोंग सीट से विंसेंट पाला उम्मीदवार बनाए गए हैं, अलपुझा से केसी वेणुगोपाल को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस के पहली लिस्ट में ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। और पीएम मोदी ने महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाकर महिलाओं को सौगात देने का दावा किया है। दूसरी ओर राहुल गांधी कहते हैं कि अगर देश के युवा साथ निभाने का वादा करें तो वो 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मोदी सरकार के दावे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि रक्षाबंधन पर दी गई राहत के 7 महीने बाद इन चुनाव से पहले 100 रुपए की राहत का ऐलान किया गया है ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके, जिसको लेकर सियासत तेज हो गया है। सुनिए चुनाव आया क्या कुछ किसने कहा। कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसी का एक विजन लेकर हम मातृशक्ति यहां पर संकल्प लेने आए हैं। और एक बहुत बड़ा उपहार मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में दिया है, गैस सिलेंडर 100 रुपए से और सस्ता कर दिया उज्ज्वला योजना में आज मोदी जी ने। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महाशिवरात्रि का भी यही संदेश है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, सृष्टि अधूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यही संदेश देता है कि माँ बहन और बेटी का आदर करो, सम्मान करो, उनको बराबर का स्थान दो। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहन और बेटियों को पूरा सम्मान मिले इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है, रसोई गैस के दाम 100 रुपया कम करके हमारी गृहणियों को, हमारी बहनों को। ये बहुत बड़ी सौगात है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये सौगात देने के लिए। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और सभी बहनों को बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुर पार्टी है, 395 रुपए के सिलेंडर को 1000 का करती है और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए कम करने की घोषणा करते हैं। ये तो उसी तरीके से हुआ कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। ये चश्मे दान करने वाले लोग हैं, 395 रुपए का कीजिए प्रधानमंत्री जी तब मानी जाएगी। और विमेंस डे पर
मणिपुर की महिलाओं के लिए भी दो शब्द कह दीजिए, साक्षी मलिक को न्याय दे दीजिए, हाथरस के लोगों को न्याय दे दीजिए, दुनिया में महिलाओं का सम्मान करना सिखाइए, कठुआ रैली मत कीजिए। इस तरीके की जब आप चीजें करेंगे तब महिलाओं का सम्मान होगा। नारी जाति का अपमान करके महिला दिवस मनाना कतई उचित नहीं। सिलेंडर्स की प्राइस 100 रुपए से कम की है। मैं गोवा के सरकार की तरफ से और गोवा के पूरे महिला भगिनी की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि निश्चित रूप से एक्चुअल रिलीफ जो 100 रुपीज रिलीफ भी बहुत बड़ी रिलीफ है सबके लिए दी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाएगा। क्यों? पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब भी 1000 रुपया था सिलेंडर, उसके पहले भी था 2 साल पहले। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? मजबूरी यह थी कि अभी चुनाव आने वाला है और चुनाव के बाद आप देखिएगा अगर वो वापस आएंगे, वो नहीं आएंगे पर किसी भी दुर्भाग्य कारण वो वापस आए तो वापस एलपीजी सिलेंडर भी 1000 रुपया पार करेगा। ये है उनकी गारंटी। पर जब हम गारंटी देंगे नारी सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, श्रमिकों के संरक्षण के लिए, वो पक्के वादे होंगे जो हम पूरा कर ही रखेंगे और वो चुनाव से कोई उसका संदर्भ नहीं होगा। भाई उनकी सरकार को उस समय इंटरनेशनल प्राइस क्या थी पूछिए सुप्रिया जी से, बट उनको बोलिए कि आपके वो जो अलायंस वलायंस है वो कैसे चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इंडिया अलायंस तो कोलैप्स हो गया लगता है। कांग्रेस अपनी बात को कहने में कोई अर्थ नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी आज तक तो कुछ की नहीं। प्रधानमंत्री ने राखी दिवस के अवसर, राखी के अवसर पर भी दीदियों को बहनों को छूट दी थी और आज भी महिला दिवस है इस पर एक तोहफा के रूप में राखी के समय दी प्रधानमंत्री ने और फिर आज महिला दिवस के रूप में देनी चाहिए और प्रधानमंत्री ने दिया है, क्योंकि ये आधी आबादी ही नहीं है बल्कि हमारे नजर में ये घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी को उपहार देना हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी हमारी देश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज की के दिन महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए जो ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए आज हमारी सरकार ने जो एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट देने का ऐलान और निर्णय किया है, मुझे लगता है कि नारी शक्ति के लिए और हमारी जनता के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने उठाने का काम किया है। और आपने कल देखा होगा कि जो उज्ज्वला स्कीम है उसको भी आगे बढ़ाने का काम कल हमारी सरकार की ओर से किया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।